नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश का डॉक्टर लिख रहा है चाइनीज भाषा में दवाई। ऐसी दवाई की पर्ची डॉक्टर ने लिखा कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब ये पर्ची सभी डॉक्टर ने देखा तो किसी को समझ नहीं आई। आपको बता दें कि यह मामला मध्य प्रदेश के सतना जिले की नागौद तहसील का है, जहां पर एक MBBS डॉक्टर अमित सोनी ने सरकारी अस्पताल में अपने मरीज को ऐसी दवा की पर्ची लिख कर दिया कि उसे कोई भी दवा दुकान वाला कोई दूसरा डॉक्टर नहीं पढ़ सकता। आपको बता दें कि यह डॉक्टर सरकारी अस्पताल के पास ही अपना निजी क्लिनिक चलाता है, जिससे इसे महीने में लाखों रुपए की कमाई हो जाती है। जब इसे अपने क्लिनिक से लाखों रुपए मिल रहे हैं, तो यह डॉक्टर अमित सोनी केवल टाइम पास के लिए सरकारी अस्पताल का डॉक्टर बना बैठा है। ऐसे डॉक्टर को जो अपने पेशे में ऐसी बेईमानी कर रहे हैं, उन्हें उनके पद से हटाकर जो जनता की सेवा करे, ऐसे डॉक्टर को सेवा का अवसर देना चाहिए। आपको बता दें कि डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है। यदि ऐसे डॉक्टर ही जब राक्षस बन जाए तो इन्हें सजा मिलनी चाहिए। प्रशासन इस मामले में डॉक्टर अमित सोनी की आय से अधिक संपत्ति की भी जांच करे और इसकी सुक्ष्मता से जांच भोपाल की स्पेशल टीम के द्वारा होनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करें।